राष्ट्र के एक और महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके हुंकार से ब्रिटानी हुकूमत कांप उठी थी और जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे के साथ हिंदुस्तान के नौजवानों के बीच क्रांति का वो शंखनाद किया था कि सोए हुए भारत में एक तरह की नई रवानी आ गई। देखते हैं कि हर तरफ ये हुंकार उठती है कि हमें विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस के जो आदर्श हैं उनसे विवेकानंद के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे दूसरे युवा जिन्हें इस बात का आश्चर्य था कि अगर कॉलेज में और स्कूल में उनकी पढ़ाई ज़्यादा बेहतर है, उनके अंक ज़्यादा हैं, तो जो स्कॉलरशिप है वो केवल गोरों को या अंग्रेज़ों को क्यों मिलती है? स्कूल में आगे की बेंच पर आप केवल अंग्रेज विद्यार्थियों को क्यों बिठाते हैं? अगर ये हमारा हिंदुस्तान है, अगर इस हिंदुस्तान की सारी ज़मीन हमारी है, अगर ये हमारा देश है, तो बाहर से आने वाले ये फिरंगी कैसे इतने मजबूत हो गए कि हमारे ही स्कूल और हमारे ही कॉलेजों में आगे की पंक्तियों पर अंग्रेज़ों को बिठा दिया जाता है? वो नेताजी जिन्होंने कॉलेज में अपने प्राध्यापक से हुए विरोध के चलते उनसे तक लड़ाई मोल ले ली और जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। वो नेताजी जिन्होंने अपने पिताजी के कहने पर इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम तो दी थी, लंदन में जाकर सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी, लेकिन वहीं से अपना त्याग पत्र सौंप लिया था और राष्ट्र की सेवा में खुद को समर्पित किया। वो नेताजी जिनके और महात्मा गांधी के बीच में हम विवादों की बात अक्सर करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिन महात्मा को हम प्यार से राष्ट्रपिता कहते हैं, वो राष्ट्रपिता का नारा खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ है। सबसे पहली बार रेडियो से अपने संबोधन में उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। वो केवल भगत सिंह के उस तर्क के अनुयायी थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। कुछ लड़ाइयां होती हैं जो आप विचार से लड़ते हैं और कुछ लड़ाइयां होती हैं जो आप ताकत के साथ लड़ते हैं। आज हिंदुस्तान का युवा क्या सोचता है? हिंदुस्तान का युवा ये सोचता है कि अगर सरहद पर गोलीबारी होती रहेगी तो हम उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। अगर पाकिस्तान के लाहौर और कराची में बैठा कोई डॉन दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान को ललकारने की हिम्मत रखता है, तो हिंदुस्तान में भी इतनी ताकत होनी चाहिए कि जिस तरह अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के घर में घुसकर उसका खात्मा करके अपने पुरुषार्थ को जताया था, उसी तरह हिंदुस्तान में भी इतना पुरुषार्थ हो और उसी पुरुषार्थ की परंपरा को जीवित रखने का काम, हिंदुस्तान के उसी पुरुषार्थ की पताका को ऊंचा फहराने का काम स्वामी विवेकानंद ने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उन्होंने लोगों को यह बताने की कोशिश की थी कि आपकी जगह कहाँ है और हिंदुस्तान की जगह कहाँ है। विवेकानंद जी का एक किस्सा है कि जब उनको अलज्जित करने की दृष्टि से किसी अंग्रेज व्यक्ति ने, जब वो अमेरिका के दौरे पर थे, नीचे उन्होंने गीता को रखा और उन्हें कहा, देखिए ये फलाने दार्शनिक का सोच है, ये यूरोप के बाकी ईमानदार प्रयत्नों की भी कमी है। जब हम साम्य व्यवस्थाओं की चेष्टा करते हैं तब हम अपनी तरफ उंगलियां उठाकर नहीं देखते कि हमने अपनी तरफ से क्या कोशिश की। ये कहानी ठीक उसी कहानी की तरफ है जब ये कहा गया था कि सब लोग एक पानी का टाका राजा ने रखवाया था, दूध का लोटा लाने ही वाला है, मैं क्यों एक लोटा पानी ले जाऊं अपना दूध बचाने के लिए, और सुबह उसमें दूध का दूध दिखाई देगा, पता नहीं चलेगा कि कितने लोटे पानी आया। दुर्भाग्य यह है कि जब उस बड़े टाके को, उस भगोने को खोला गया तो सारा का सारा पानी था। यदि एक हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू भी किसी की आंख से निकल सकते थे, और खबरें तो इतनी थी इस देश में कि खून से छपकर भी अखबार निकल सकते। वहां के कुछ लोग थे जिनको लगा था कि ये व्यक्ति हमारे गांव में नेतागिरी चंद्र बोस की जीवनी के हिस्से हमारे सामने नहीं आते। 1931 के कांग्रेस के अधिवेशन में पटना में ये हालात बदलनी चाहिए, दुष्यंत कुमार कह गए थे कि हो चुकी है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, और फकत हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में ही सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो जब तक ये सूरत नहीं बदल जाती, हम लोग शांति से और चैन से नहीं बैठे। हम लोग ये नहीं सोचे कि हमने नेता, ये विधायक, ये सभापति चुन लिए हैं और अब हम इन्हें चुन लिया है तो हम अपने किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के साथ, अपने किसी भी तरह लाचारी के साथ, अपनी किसी भी मजबूरी के साथ जी सकते हैं। हम उसको मजबूरी का नाम देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वो एक ऐसा नासूर, ऐसा कैंसर बन चुका है कि जिससे लड़े बगैर अब नए हिंदुस्तान का उत्थान संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि हम किसी नेता को वोट देने के बाद अपने कर्तव्यों की तीसरी मान लें, किसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की माला पर, प्रतिमा पर माला चढ़ाकर मान लें कि हमने उनको याद कर लिया और अब आगे का हिंदुस्तान बहुत सुनहरा होगा। स्वामी विवेकानंद की आत्मा इस बात से कभी खुश नहीं होगी कि हम उनके नाम से
हम तमाम कार्यक्रम आयोजित करें, उनकी मालाओं प्रतिमाओं पर माला चढ़ाएं और फिर घर जाकर वही सारे का सत्संगों में हमको इतनी भीड़ नजर आ जाए। महाराजाओं का बाबाओं का कारोबार बढ़ा हुआ है, आए दिन कोई बाबा पाखंडी भी नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किसी भी सत्संग के पंडाल के बाहर से गुजर जाइए तमाम भीड़ें। वो भीड़ इसलिए नहीं है कि हम इस हिंदुस्तान के अध्यात्म और संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। हम लोग पाखंडी हैं, हम लोग आडंबर से भरे हुए हैं, हम लोग अपने आप से आंख मिलाने से बचते हैं। दरअसल बात यह है कि हम सोचते हैं कि हमने जो पाप किए हैं, किसी से पैसा लिया है, किसी से रिश्वत ली है, किसी का काम गलत किया है, किसी का ईमान खराब किया है, तो हम उस सत्संग में जाकर उस पाप को धोलेंगे, हमारा पाप धुल जाएगा और अगले दिन हम फिर उसी पाप को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब तक हम इस मानसिकता से बाहर नहीं आते, जब तक खुद से आंख नहीं मिलाते, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम केवल इस तरह के कार्यक्रमों में सुभाष चंद्र बोस या विवेकानंद को याद कर नए हिंदुस्तान की इबारत लिख सकते हैं। आपने सबका बहुत आभारी हूँ।